नहीं नहीं ये तो आ गया, कोई बात नहीं, इसे ऊपर लेके आ रहा है कि आ गया हमारी सोसाइटी का, हमारा रामू आ गया। ये देखो ये आ गया, जब से ये महाराज आए ना, जब से ओए अरे भैया गजब अरे भाई आराम से इसको इसको मत कर इतना, बंदर तो भागे भागे इंसान ही भाग जाएगा। तो उसका नाम है रामू है, जब से रामू आया तब से हमारे सोसाइटी से सारे बंदर गायब हो गए। अब सारा रामू इलाज कर रहा है और ये रामू के सेवा जाते हैं, रामू की सेवा ये करते हैं। राधे 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 राधे। तुम्हारा क्या नाम है? नरेश। नरेश तो ये रामू तुम्हारा अपना ही है? ओके, मतलब उसके आने सारे बंदरों में खौफ आ गया, भाग गया है? बिल्कुल। नरेश ये काटता भी तगड़े वाला? अच्छा थप्पड़ मारता है, ये वैसे नहीं काटता? अच्छा ये लात मारेगा थप्पड़ मारेगा? हाँ। और ये पूछ से भी मारता है? पूछ से भी मारता। अच्छा लेकिन जो भी हो यार जबरदस्त है तुम्हारा ये रामू, जबरदस्त है। कितने साल का ये? तीन सवा तीन साल का। इसके आने सारे बंदर चले गए सोसाइटी में? हाँ, सारे भाग गए। नहीं बढ़िया है ये, एकदम चकाचक है रामू, इसमें कोई दो राय नहीं, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। अरे नाश्ते में क्या खाता है ये? पत्ता गोभी है। ये पत्ता गोभी खाता है? अरे भाई गजब। नहीं यार बढ़िया है। तो तुम्हारी ड्यूटी है मतलब इसको मतलब हर बिल्डिंग पे लेके जाना होता है? तो इस बारी में तो सबसे ज्यादा आते हैं, इसमें तो सबसे ज्यादा आते हैं। हाँ इसमें सबसे ज्यादा होते हैं। आ गए बाबा? आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ, कूड़ा दे रहा हूँ। ऐसे वृंदावन का आज मौसम बहुत जबरदस्त हो रहा है, बादल छाए हुए हैं, बहुत बढ़िया। और आज रामू से मिलके बड़ी खुशी हुई, मेरे को बच्चे बता रहे थे कि अंकल सोसाइटी में अपने क्या कहते हैं लंगूर आए हैं, और फिर मैंने देखा आज ये बैठे हैं, और ये इसलिए इधर बैठा है ज़्यादातर कि इसे पता है कि वहाँ सामने की साइड सारे बंदर हैं, जो सामने की साइड सारे बंदर है ये वहीं देखता रहता है, तो यहाँ पे आके बैठता है। इस बिल्डिंग में सबसे ज़्यादा आते हैं मेरे बंदर, 15-20 बंदरों का समूह है, छोटे बड़े, और देखो कैसे नवाबों की तरह ठाट से बैठा रामू। तो बचपन से रामू ही बोलते हो? रामू क्या अपने शक्ल देखता है? ओके ओके, देखो पूछ देखो कितनी लंबी। अरे भैया गजब, क्या पूछ है भैया, जय हो। चलो भाई रामू हो गया तुम्हारा काम, पैक अप। आए हाय आए, क्या इशारे कर रहा है ये, क्या इशारे कर रहा है? अच्छा क्यों बुला रहे हो? तो अपने घर में भी से बांध के रखते हो या खुला छोड़ दो? आपके घर में भी? अच्छा यहीं बांध के जाते हो? तो यहाँ पे खुले में अगर बारिश में भीग जाए तो? अच्छा यहीं पे रहता है ये? अच्छा अरे ये तो नई बात है कि रामू इसी कॉलोनी का मेंबर हो गया। ओए रामू ओए रामू ओ रामू, देखो कहाँ देख रहा, बंदरों को देख रहा है, बंदर ना हो भाई तेरा तो सही ऐश हो गई, तू भी मेंबर हो गए बिगर फ्लैट के, हमने लाखों रुपए के फ्लैट लिए तो फ्री में रह रहा है। ये देखो कैसे घूर रहा है, बढ़िया भाई बढ़िया है। हाँ शीशा है, शीशा है उधर। अच्छा चेहरा दिखता अपना ये? हाँ। बड़ा सियाणा ये। अच्छा ये भी देखता है कितनी ऊंचाई पे बैठे हैं? नहीं वाकई बड़ा फुर्तीला होता है ये, बढ़िया बढ़िया है। ना इसके आने से यहाँ पे रौनक आ गई, बच्चे भी खुश होते हैं, इसे देख के बच्चे भी खुश होते हैं। मेरे को बता रहे थे अंकल वो आ गया वो, अच्छा मैंने वो कौन आ गया, लंगूर लंगूर। अच्छा चलो ले आओ उसे ऊपर, जहाँ ले जाना छत पे। देखो जी कैसे बुला रहे हैं, चल दिए ऊपर जाओ।
अरे ऊपर क्यों डरा रहा भाई, फिर वो भाग जाएंगे ऊपर के लोग। डरा हुआ फिर भाग जाएंगे ऊपर वाले भी। अपने साथ ही ले जाओ ऊपर। अरे भाई गजब। आज का कहते चाटा बड़ा जोरदार पड़ता है। हाँ प्रभु जी, रामू बैठा हो, आपको अब तो गायब हो गए, अब तो मामला, अब तो सारे बंदर गायब हो गए। हाँ देखो राजा बाबू बन के बैठते थे, कैसे बैठा ठाट से। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, क्या कैसे का सीसा होगा मेरा। हाँ कह रहा मुंह देख रहा है। चलिए बढ़िया है प्रभु जी, आप आराम से रहिए। राधे 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 बच्चों। ले जा भाई रामू को ऊपर ले जा, तू छत पानी चले जा, हो गया अब। ओके चलो जी, राधे राधे राधे। आँख सूज रही है ना मेरी, कल राधा रमन जी से हार था तो बाहर निकला, जैसे स्कूटी स्टार्ट करी ऐसा एक कोई मच्छर गिरा जहरीला, बड़ी मुश्किल में कंट्रोल करके स्कूटी साइड में लाया। अरे भाई वो मच्छर तो निकल गया, जहर छोड़ गया अपना। ऐसी रात को ये आँख सूज गई, मैं आपको बता नहीं सकता, ऐसी सूज गई, इतनी चपके लगी उस समय, तो मेरा पूरा ये ना ये हिस्सा सुन हो गया, क्या हो गया। किसी तरह घर पहुंचा बस, फिर चपके मारी, लेकिन कोई दवाई नहीं, इसकी सिर्फ एक ही दवाई है ये बता दूं। जब कभी भी आई फ्लू हो, आँखों में कोई दर्द हो, स्वेलिंग आ रही हो, आई फ्लू हो, या आंखें बरसात में लाल हो जाती हैं इन्फेक्शन के मारे, आप बाहर की दवाई लाते हो ठीक है डाल लो, लेकिन सबसे बढ़िया दवाई है हमारी लार। सुबह बासी मुंह उठो, जो भी थूक आए इकट्ठा करो लार, और आंखों में काजल की तरह दोनों आंखों में लगा लो और सो जाओ। आप आधे घंटे बाद जब उठोगे ना, सो भी नहीं पाए तो आधे घंटे आंख बंद करके रहो और अंदर कंचे घुमाते रहो, कंचे ऐसे में घूम रहे कंचे घुमाते रहो। ये लार इतनी एंटीबायोटिक है, सारी तुम्हारे अंदर की सारी बीमारियों को खींच लाएगी। तो वो लार में अंदर डाल के सुबह सो गया, क्योंकि सुबह वही मेरे को नींद 3:30-4 बजे की पड़ी हुई है कुछ दिनों से। अब उठाऊ मैं करीब 10:30 बजे, तो उस समय इतना मैल जमा पड़ा था, सारा मैल साफ हुआ, तो आंखें अभी ये खुल पा रही है, अभी रेडिश है ये आज और रहेगा, कल सुबह और करूँगा, लगाऊंगा, फिर ठीक हो जाएगी। अगर आपको कभी आई फ्लू हो या बारिश के मारे को इन्फेक्शन हो जाए, आप दवाई ले रहे हो अच्छी बात है, अगर दवाई ना मिले तो लार से बढ़िया कोई दवाई नहीं है। सुबह का बासी लार अपनी आंखों में लगाइए, दोनों आंखों में, और आधे घंटे तक नींद नहीं आती तब भी आधे घंटे तक लेटे रहिए और अपने कंचे धीरे धीरे घुमाते रहिए, सारी आंखों की इन्फेक्शन दूर जाएगी। और सुबह की बासी लार अगर आपके हाथों में सफेदा, बॉडी के ऊपर सफेदा हो रहा है ना, उस पर लगाओ, 6 महीने में सफेदा खत्म हो जाएगा। लार से बढ़िया कोई दवाई नहीं है। और आप एक बात और बोल रहा हूँ, आप अपने सुबह सुबह का बासी मुंह का जो लार इकट्ठी करो, अपने फेस पे मसाज करो, जहां जहां आपके झुर्री है ना वहां वहां लगाओ हल्के हल्के हाथों से, आधे घंटे तक छोड़ दो, उसके बाद उठो मुंह में पानी भरो और फेस कर लो, 3 से 6 महीने में आपकी झुर्री साफ। और जिनका ब्लैक कलर हो, कहते हैं गोरे, गोरे होने की दवाई नहीं बता रहा भाई मैं, या गोरा आदमी भी होता है उसकी स्किन डेड हो गई है, तो चाहे वो ब्लैक हो चाहे गोरा हो चाहे वो सांवला हो, सुबह बासी लार लगाओ आधे घंटे तक छोड़ दो, उसके बाद आप मुंह धो लो। आप ऐसा करो 1 महीने के अंदर, 1 महीना तो बहुत बड़ी बात है, 15 दिन में आपके चेहरे पे वो स्किन ग्लो मारने लग जाएगी, ठीक है, ये बात याद रखना। चलिए अपने वाणी को यही विराम करता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।